अच्छे तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले हम मैटर पर जाएंगे हम मैटर क्या होता है वट इज मैटर मैटर आपको पता ही है मैटर हमारे पास इट इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कोई भी मैटर जो होता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है तो यहां पर अगर हम ले लेंगे एक सॉलिड ले लेंगे हम एक सॉलिड मैटर ले लेंगे हम जैसे हमारे पास यहां पर ये यह है डस्टर ले रहा हूं मैं तो ये भी हमारे पास बहुत सारे एटम से बना हुआ है इट इज कंसिस्ट ऑफ सो मैनी एटम्स बहुत सारे आइटम से ये बना हुआ है तो यहां पर हमारे पास पहला कंसेप्ट जो आता है यहां पर डिफार्मिंग फोर्स डिफार्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है ये आपके पास एक मैटर है और अगर मैं यहां पर इस पर फोर्स लगा रहा हूं मैं और इस फोर्स की वजह से अगर इसकी शेप चेंज हो रही है देखिए इसकी शेप चेंज हो रही है तो जिस फोर्स की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है उस फोर्स को कहा जाता है डिफार्मिंग फोर्स तो डिफार्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है इट इज अ फोर्स ड्यू टू विच अ बॉडी चेंज इज इट्स कंफ्रिगेशन ये हमारे पास वो फोर्स होती है जिस फोर्स की वजह से एक बॉडी क्या होती है जब एक बॉडी अपनी कंफ्रिगेशन चेंज करती है कंफ्रिगेशन का मतलब कंफ्योगेशन में शेप साइज वॉल्यूम सब कुछ आता है तो जब हमारे पास एक बॉडी अपनी कन्फ्रिगेशन चेंज करती है जिस फोर्स से वो अपनी कंफ्रिगेशन चेंज करती है ये एक एक्सटर्नल फोर्स होती है उस फोर्स को कहा जाता है डिफार्मिंग फोर्स तो सॉलिड में अगर हम बात करेंगे हम जब हम इसमें इस पर में एक डिफार्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं इसकी कंफ्रिगेशन चेंज हो रही है उसके बाद जब मैं डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव करता हूं मैं तो यह बॉडी अपनी ओरिजिनल कंफ्रिगेशन में वापस आ जाती है या अपनी ये जो है बॉडी जो है कोई भी बॉडी हो वो अपनी ओरिजिनल कंफ्रिगेशन में वापस आ जाती है तो वो जो बॉडी होती है जब वो अपनी ऑरिजिन कंट्रिक में वापस आ जाती है उस बॉडी में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है दूसरा कंसेप्ट आपके पास दूसरी डेफिनेशन आ रही है व्हाट इज इलास्टिसिटी पहले मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स कहा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है जिसकी वजह से एक बॉडी की कंट्रिक्यूशन चेंज होती है इलास्टिसिटी क्या होता है इलास्टिसिटी भी एक हमारे पास एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी अपनी ऑरिनल शेप में वापस आ जाती है जब हम डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं जैसे मैंने यहां पर डिफार्मिंग फोर्स अप्लाई की उसके बाद ये डिफार्मिंग फोर्स रिमूव करूंगा मैं ये वापस आ जाएगा अपनी ऑरिनेल कन्फ्रिगेशन में वो जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पर बॉडी अपनी ऑरिनल कंफ्रीगेशन में वापस आ जाती है उसको कहा जाता है इलास्रिस्टी तो इलास्टिसिटी यहां पर मैंने लिखा है यह हमारे पास कंसेप्ट है इलास्टिस क्या होता है द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट शेप साइज बाय अ बॉडी या इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं द टेंडेंसी ऑफ बॉडी आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ऑरिजिनल कंफ्रिगेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इन इलास्टिक लिमिट तो एक ऐसी प्रॉपर्टी एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी एक सबस्टेंस की जिसमें बॉडी अपनी ऑरजिनल कंफ्रिकेशन में वापस आ जाती है एक बॉडी जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं जब एक बॉडी अपनी ऑरिजनल कंफ्रिक्शन में वापस आ जाती है व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव वो जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की उसको क्या कहा जाता है इलास्टिक Elastic, इलास्टिसिटी कहा जाता है और उस बॉडी को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी तो देखिए यहां पर पहले हम इसको इस डेफिनेशन को, को समझेंगे हम टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाई अ बॉडी तो देखिए जब भी हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं यह अपनी कंफ्रिगेशन चेंज करती है जब यह कंफ्रिगेशन चेंज करती है इसका शेप देखिए इसका शेप चेंज हुआ फिर में डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करता हूं मैं तो जो इसमें टेंडेंसी होती है यह अपोज करती है किसको अपोज करती है जो इसमें चेंज आती है जैसे इसमें चेंज आ गई है तो इसमें एक ऐसी टेंडेंसी होगी इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करेगी इस चेंज को जिसकी वजह से वापस आ जाती है अपनी ऑरियल कंफ्रिगेशन में उसी को इलास्टिस्टी कहा जाता है ये दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया जो टेंडेंसी अपोज टेंडेंसी टू तो अपोज द चेंज इन अ बॉडी तो किसी एक बॉडी में कितनी टेंडेंसी है जो अपोज करती है किसी चेंज को क्योंकि जिसमें जितनी टेंडेंसी होगी अपोज करने की एनी चेंज को उसमें उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है क्योंकि अगर हम बात करेंगे जैसे यहां पर हमारे पास हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं ये अपनी ऑर्जिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाता है तो इसमें टेंडेंसी है ये वापस आ जाती है अपनी ऑर्जनल कॉन्फ़िगरेशन में इसका मतलब इसमें भी इलास्टिसिटी है तो इसी तरीके से यहां पर ये ये तो आपको इजी डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ बॉडी आर मोलिक्यूल टू रिगेनल करते हैं तो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, की उसको क्या कहा जाता है इलास्टिस्टी कहा जाता है अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि अपनी कंफ्रिगेशन कैसे चेंज करता है जैसे हमारे पास यहां पर एक डस्टर ले रहा हूं मैं या कोई भी चीज ले लोग आप तो ये अपनी शेप कैसे चेंज करता है जैसे आपके पास एक स्प्रिंग होता है स्प्रिंग होता है तो यहां पर मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करूंगा मैं स्प्रिंग के एक स्प्रिंग है उसको हम खेजते हैं खेचने के बाद जब हम उसको खींचते हैं वो एक क्या है? वो होती है वो डिफार्मिंग फोर्स होती है स्प्रिंग क्या करता है वो उसकी शेप चेंज हो जाती है उसके बाद जब जिन्हें हम डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं वो वापस आ जाता है अपने ऑर्जनल कॉन्फिगरेशन में यहां पर क्या होता है यहां पर हमारे पास क्या होता है जैसे ये एक मॉलिक्यूल यहां पर, पर रिप्रेजेंट किया है ये एक यहां पर एक यहां पर मॉलिक्यूल या एटम ले लेंगे हम एक एटम्स और दूसरे एक और ये एक, एक एटम यहां पर है दूसरा एटम यहां पर है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है इंटरटॉमिक डिस्टेंस और इनके बीच में हर हर दो एटम्स के बीच में फोर्स होती है वो कौन सी होती है इंटरटोमिक फोर्स होती है या इंटरमोलिक जो ही हम इसमें फोर्स या इसको खींचेंगे उधर के लिए या नीचे के लिए खींचूंगा ऐसे इसको नीचे के लिए खींचूंगा मैं ये ये हमारे पास एटम क्या है ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी मीन पोजिशन से ये इसकी मीन पोजिशन होती है यहां पर जो है ये हमारे पास जो है ये एटम होता है अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर होता है जूही मैं इसको खींचूंगा मैं ये अपना ये एटम जो है डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी मीन पोजिशन से इसको बोलते हैं स्टेबल एग्नोरम से यहाँ ये यह क्या हो जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा तो जूं ये डिस्प्लेस हो जाएगा जूं इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उसके बाद हम छोड़ देते हैं तो ये वापस आ जाता है यहीं पर जहां ये था या इसको ऐसे खींच रहा हूं ये आइटम जब उधर चले जाएगा यहां चले जाएगा खींचने के बाद तो खींचने के बाद जूं यहां चले जाएगा ये डिस्प्लेस हुआ आइटम उसके बाद जू ही डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव करता हूं ये वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि हमारे पास जो है जुई जो ये हर एक एटम्स के साथ ऐसा ही होता है जुई हम डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं उनके एटम्स क्या होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो जाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो जुई हम डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं अपनी मेन पोजिशन पर क्यों आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से या इंटरटोमिक फोर्स की वजह से क्योंकि इन एटम्स के बीच में क्या है फोर्स है जिसकी वजह से हालांकि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा नीचे के लिए जी हम फोर्स को रिमूव करते हैं ये वापस आ जाएगा अपनी मेन जिन्हें पर तो ये जो प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी की उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी किसी भी सबस्टेंस की उसको क्या, क्या, क्या कहा जाता है इलास्टिसिटी देखिए यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप बोलो स्टील में इलास्टिसिटी ज्यादा है कि रबर में देखिए अगर हम देखते हैं तो हम सीधे ही बोलते हैं इलास्टिसिटी uh, जो है वो uh, ऐसे अगर माइंड नहीं लगाएंगे तो हम बोलेंगे रबर में तो ज्यादा जो हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो किस में होती है स्टील में होती है क्यों स्टील में होती है देखिए उसमें ज्यादा टेंडेंसी होती है तो अपोज एनी चेंज इन शेप आर इन इट्स शेप आर साइज तो देखिए जब हम स्टील जैसे ये स्टील है इस पर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा मैं उसके बाद छोड़ दूंगा ये ज्यादा जल्दी से अपनी मीन पोस्ट पर वापस आ जाएगा अपनी ऑरजिनलेशन में वापस आ जाएगा एज कंपेयर टू रबर कौन स्टील बट इन इलास्टिक लिमिट में जब हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे किसी राड को स्टील की राड को तो फिर वो अपनी ऑरिजिनल वापस थोड़ी आएगा इलास्टिक लिमिट का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जहां तक हम डिफार्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उस लिमिट तक जहां जिस लिमिट तक हम डिफार्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद जो ही हम डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे वो अपनी ऑरिजिनल कंफ्रिगेशन में वापस आ जाएगा देखिए जो ही हम डिफार्मिंग फोर्स को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे एक ऐसी डिफार्मिंग फोर्स भी आएगी आपके पास फिर आपके पास जो, जो ही हम डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी ऑरिजनल कंफ्योगेशन में वापस नहीं आती है लेकिन हमने देखना है जहां तक आपकी बॉडी ऑरिजिनल कंफ्रगेशन में वापस आती है वहीं तक इलास्टिसिटी होती है तो वहां तक क्या होता है वहां तक जो हमारे पास जो है जो इलास्टिसिटी हम कहेंगे आ, अगर यहां पर हमने देखना होगा किस में इलास्टिसिटी ज्यादा है वो स्टील में ज्यादा है रबर में कम है क्योंकि अगर हम स्टील को आ, स्टील पर डिफार्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे ये ज्यादा जल्दी से अपनी मीन पोजिशन पर वापस आ जाएगा ये रबर ज्यादा जल्दी से अपनी मीन पोजिशन पर वापस नहीं आएगा ये ज्यादा अपोज करता है किसको जो इसमें चेंज आती है स्टील जो है ज्यादा अपोज करता है इसमें ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है हम कहेंगे ज्यादा जल्दी से अपोज करेगा जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल कंफ्लेशन में वापस आ जाएगा तो ये हमारे पास ये है कि स्टील में या रबर में अगर आपको बोला जाएगा कहां पर हमारे पास जो है आ, ये जो आ, इलास्टिसिटी uh, किस में ज्यादा है स्टील है कि रबर में है ज्यादा है तो स्टील में होती है क्योंकि इसमें टेंडेंसी ज्यादा होती है टू अपोज अपोज एनी चेंज जो हमारे पास इसमें चेंज आती है डिफार्मिंग फोर्स की वजह से तो इसमें ज्यादा क्या होती है इसमें ये ज़्यादा टेंडेंसी होती है ये ज़्यादा जल्दी से अपोज करती है उस चेंज को जिसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी से अपनी ऑरिजिनल कन्फिक्यूशन में वापस आ जाता है तो वही हमारे पास यही हमारे पास यहाँ से भी अगर हम बोलेंगे तो ये जो हमारे पास ये भी डेफिनेशन ही कहती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ऑरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाता है लेकिन स्टील जो है ज़्यादा जल्दी से अपनी ऑरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाता है तो तभी जाकर हम बोलते हैं स्टील में इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा है तो देखिए जब भी कोई बॉडी जब किसी बॉडी में इलास्टिसिटी होती है वहीं पर कुछ प्रॉपर्टीज भी निकलती हैं आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस की टाइप्स क्या होती हैं उनको हम समझेंगे हम तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है देखिए हम ऐसे भी अगर हम बोलते हैं मेरे मुझे आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसका मतलब कोई मुझे दबाव है फोर्स पर यूनिट एरिया मेरे ऊपर कोई दबाव है तो स्ट्रेस क्या होता है जब भी एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर की जाती है क्योंकि इलास्टिक इलास्टिसिटी uh, का ही कंसेप्ट है तो जब भी हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं डिफार्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके किसी एरिए पर फोर्स अप्लाई करते हैं हम तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम कहेंगे दैट इज स्ट्रेस क्या कहेंगे हम स्ट्रेस कहते हैं हम तो देखिए जैसे हमने यहां पर एक रॉड है ये आपके पास रॉड है इसको हमने यहां के लिए खींचा है फोर्स अप्लाई की है यहां के लिए इस रॉड की लेंथ ऑरिजिनल क्या थी एल है तो जो ही हमने इसको खींचा इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई डेल्टा एल इसकी लेंथ इंक्रीज हुई ये आपके पास कौन सी है ये डिफार्मिंग फोर्स है या हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स है उसके बाद जो ही हम इसको छोड़ देते हैं ये वापस आ जाता है अपनी ऑरिजिनल कंफिग्रेशन में अपनी ऑरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता है किस फोर्स से वापस आ जाता है जो फोर्स डिफार्मिंग फोर्स लगाई थी मैंने इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कितनी फोर्स लगेगी इसके एरिया इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अंदर की तरफ इनवर्ड्स की तरफ उसको कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स देखिए रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट भी आपके पास आ रहा है यहां पर व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स फोर्स डू टू विच अम्स इंटरनल फोर्स होती है, है. है? रिमूव किया जाता है इंटरनल फोर्स लगेगी इसी एर पर इसी क्रॉसेक्शनल एरिए जिसकी वजह से यह वापस आ जाएगा अपनी ऑरजिनल कंफ्रगेशन में जो ऑरिनल कंफ्रगेशन क्या है लेंथ क्या है एल है तो ये जो हमारे पास होता है वही रिस्टोरिंग फोर्स पारियंट एरिया जो डिफार्मिंग फोर्स पारियंट एरिया हमने लगाई थी उधर के लिए उतनी ही लगेगी हमें रिस्टोरिंग फोर्स पारियंट एरिया इधर के लिए जिसकी वजह से अपनी ऑरिजल कर्फ्यूशन में वापस आ जाएगा तो इसीलिए जो हम बोलते हैं स्ट्रेस जो होता है जो हमारे पास स्ट्रेस जो होता है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है तो इलास्टिक लिमिट में हमारे पास जहां तक हमारे पास बॉडी ऑरिजिन में आपके पास आया हैल कंफ्रिक्ट में वापस आ जाती है जितनी रिस्टोरिंग फोर्स होती है यूनिट एरिया उतनी डिफार्मिंग फोर्स भी होती है और ये जो हमारे पास यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं अगर आपको बोला जाएगा स्ट्रेस किसके यहाँ से इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो आप ऐसा यूनिट क्या है किसका स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या है तो फोर्स का होता है न्यूटन एरिया क्या क्या होता है मीटर स्क्र तो न्यूटन मीटर स्क्र तो इसको ऊपर लाएंगे हम तो न्यूटन पर मीटर इसका क्या बनेगा ऐसा यूनिट बनेगा। इसके बाद आपके पास आता है कौन सा होता है नाम से ही पहचान हो आप नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर व्हेन अ फोर्स एक्ट नॉर्मली ऑन अ बॉडी जब भी हमारे पास फोर्स एक्ट करती है फोर्स एक्ट नॉर्मली बॉडी देन स्ट्रेस प्रोड्यूस नॉन एज नॉर्मल स्ट्रेस जैसे हमने यहाँ पर, इस पर जो फोर्स एक्ट की है, है परपेंडिकुलर में, में फोर्स लगाई है तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा इसमें एक स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा समझा एक स्ट्रेस आ जाएगा इसमें एक इसमें कॉन्फ्रेशन चेंज आएगी तो जो ही हमने इसमें क्या किया हमारे पास जो है आ, यहां पर हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई की नॉर्मली फोर्स अप्लाई की डिफार्मिंग फोर्स उधर के लिए परपेंडिकुलर में फोर्स अप्लाई की तो इसमें एक स्ट्रेस सेटअप हो गया वो स्ट्रेस क्या उस स्ट्रेस को क्या कहा जाता है नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है और ये स्ट्रेस भी इसी के इसी के कुल होगा फोर्स पार्डेंट एरिया के ही इक्वल होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है रिस्टोरिंग फोर्स पार्डेंट एरिया के ही होगा यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स और डिफार्मिंग फोर्स इक्वली होती है तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस में हमारे पास जो है दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो एक हमारे पास आता है टेंजाइल स्ट्रेस टेंगायल स्ट्रेस और दूसरा हमारे पास है कंप्रेशन स्ट्रेस कंप्रेशन स्ट्रेस सबसे पहले टेंजाइल स्ट्रेस टेंजाइल स्ट्रेस का मतलब ये हुआ जब भी हम एक डिफार्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी एक रॉड पर अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है अगर उसकी लेंथ चेंज हो जाती है उसकी लेंथ क्या है चेंज जैसे हमारे पास की ओरिजिनल लेंथ क्या थी एल कितनी इंक्रीज हुई डेल्टा एल यहां से लेकर यहां तक जब जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की तो अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है एक रॉड पर एक हमारे पास एक बॉडी पर अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है इट्स when, लेंथ इंक्रीजेज अगर उसकी लेंथ क्या हो रही है वो इंक्रीज हो रही है उसकी लेंथ चेंज हो रही है अब यह जो मैंने फोर्स लगाई थी नॉर्मली लगाई थी वहां के लिए जिसकी वजह से इसकी लेंथ क्या हुई इंक्रीज हुई अब अगर मैं फोर्स लगाऊंगा एक फोर्स लगाऊंगा यहां पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगाऊंगा यहां पर इस एंड पर भी अंदर की तरफ दोनों डिफार्मिंग फोर्सेज है एक उधर से इधर के लिए एक इधर से उधर के लिए इधर से उधर के लिए एक इधर से उधर के लिए जिसकी वजह से क्या हो जाएगी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ये कंप्रेस हो जाएगा ये हमारे पास रेड राड क्या है ये कंप्रेस हो तो इस स्ट्रेस को कहा जाता है क्योंकि यहां पर हमारे पास लेंथ डिक्रीज हुई कंप्रेस हो गई तो इस स्ट्रेस को क्या कहा जाता है ट इज नॉन एज कंप्रेशन स्ट्रेस और दोनों में यहां पर भी हमने जो फोर्स लगाई है वो नॉर्मली लगाई है तभी जाकर हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस में ही आता है इसके बाद प्रोड्यूस नॉन एज टेंजेंशल स्ट्रेस जैसे यहां पर मैंने दिखाया है ये आपके पास एक रॉड है इस पर मैंने फोर्स ये लगाई है टेंजेंशली देखिए इसकी अपर सर्फिस पर मैंने टेंजेंशली फोर्स लगाई है में फोर्स लगाई है अब ये अपर सरफेस की क्या हो जाएगी डिस्प्लेस हो जाएगी जो यहां पर दिखाया मैंने अपर सरफेस डिस्प्लेस हो जाएगी नीचे वाली सरफेस सरफेस ये वाली फिक्स्ड है अपर वाली सरफेस क्या हुई डिस्प्लेस हुई इसका 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 मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ इसका शे, इसकी शेप चेंज हुई तो इस टाइप्स के स्ट्रेस को क्या कहा जाता है दैट इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं यहां पर जो फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी पर वो टेंजेंशियली फोर्स एक्ट करती है और जब वो टेंजेंशियली फोर्स एक्ट करेगी और इसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी इसकी शेप चेंज आएगी और इस टाइप्स के स्ट्रेस को क्या कहा जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है और यहां पर भी अगर वो निकालना होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स पारिट एरिया के ही इक्वल होगा जैसे हमारे पास हमने इसमें टेंजेंशली फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से ये शेप चेंज हुई यहां पर पहुंचा जो ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूंगा मैं ये वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में जैसे यहां ये डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहां अब वापस आ जाए इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहां से लेकर यहां तक डेल्टा एल ये वापस आ जाएगा यहां पर तो इसका मतलब यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जिसकी वजह से ये वापस आ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस के कुल होगा फार्मूला वही होगा लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है फोर्स जो लग रही है टेंजेंशियल लग रही है तो इस टाइप्स के स्ट्रेस को क्या कहा जाता है दैट इज नॉन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है तो ये अभी मैंने जो आज जो बेसिक कंसेप्ट बोला आपको कि हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है इलास्टिसिटी क्या है स्ट्रेस क्या है आ, हमारे पास स्ट्रेस की टाइप्स हैं स्ट्रेस की types, की टाइप्स क्या हैं, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो स्ट्रेन होगा इसी पर बेस्ड है तो तब तक के लिए ओके गुड बाय थैंक